Hello guys, welcome to Target JEE Meet. Today again I came with some essential questions on physics. Actually, this is previous year question 2010 IIT JEE. Question is, a pulley of radius 2 meter is rotated about its axis by a force F is equal to 20 T minus 5 T square Newton, where T is measured in seconds. Applied tangentially, if moment of inertia of the pulley about its axis of rotation is this, the number of rotations made by the pulley before direction of motion if reverse is, तो अगर कोई भी मोशन हो रहा है इस तरीके से, अगर फोर्स यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा, तो कह रहे हैं जब F ऐसा हो जाता है, मीन्स अभी ओमेगा की डायरेक्शन भी इधर है, जब ओमेगा इधर हो जाती है ऐसा, तो बता रहे हैं कि बताओ कितने टर्न्स हो जाते हैं एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नंबर ऑफ टर्न्स हमें निकालना है। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। देखिए, अगर रोटेशन हो रहा है, हमें जो गिवन है वो क्या है, आर इज इक्वल टू 2 meter, आई इज इक्वल टू आपका 10 kg meter square, और एफ इज इक्वल टू आपका दिया है 20 T minus T square Newton, ये गिवन है। ठीक है, अगर रोटेशन हो रहा है तो उस पर टॉर्क भी लग रहा होगा, और अगर टॉर्क लग रहा, टॉर्क मीन्स टॉर्क, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी हो रहा होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हैं तो हमें पता है कि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है। टाउ का एक फार्मूला तो ये टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा फॉस, और यही टाउ जो है टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू आर। दो चीज़ें हो गई, अब तीसरा क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है लीनियर, वो ए इज इक्वल टू क्या होता है, आर अल्फा। तो ये हो गया आपका थर्ड सेकेंड, तो इससे अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बाय आर। ठीक है, अब इनको कंबाइन करते हैं, अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं तो आई अल्फा इज इक्वल टू एफ आर, तो इससे अल्फा में मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू एफ आर बाय आई, ये हो गया। और अब जब ये चीज आ गई, और अल्फा हमारा क्या गिवन है, इस तरीके से ए बाय आर गिवन है। यहाँ पे अगर एफ की वैल्यू हम रख देते हैं, एफ हमारे पास कितना गिवन है, ये गिवन है, तो ये हो गया 20 T minus T square इंटू आर, हमारा कितना होता है, आर दिया हुआ है 2 और आई दिया हुआ है 10, तो इससे हमारा कितना पता चल गया, ये बन गया आपका, इससे काट दिया 5, और ये 5 T square, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 4 T minus T square, ये बन गया हमारा अल्फा। अब आगे देखते हैं, जब अल्फा हमें मिल जाता है, अल्फा इज इक्वल टू आ गया हमारा कितना, 4 T minus T square, और इस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, d ओमेगा dt इज इक्वल टू 4 T minus T square। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 T minus T square dt, इंटीग्रेट कर देते हैं। अब यहाँ से देखने वाली बात है, जब टाइम जीरो है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो, जब टाइम टी हो जाएगी तो ये हो जाएगा ओमेगा, इससे क्या निकला हमारा, ओमेगा इज इक्वल टू 4 T square by 2 minus T cube by 3। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा ये बन गया 2 T square minus
टी क्यूब बाय थ्री, ये है ओमेगा आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब हमें ये भी पता है कि ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी थीटा डी टी इज इक्वल टू फोर टी टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय थ्री। और जैसा हमने डायरेक्शन बताया था कि अगर इधर से चलना शुरू होता है ये ओमेगा है, और जब रिवर्स होता है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, मीन्स मिनिमम होगा। तो इसके मिनिमम होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो। इससे हमें क्या मिल जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सिक्स सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम आगे यूज कर लेंगे। ये हो गया। अब अगर थीटा निकालना है तो डी थीटा इज इक्वल टू टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय थ्री डी टी, जीरो टू थीटा, जीरो टू टी। तो थीटा इज इक्वल टू जो हमारा निकल के आता है वो कितना आएगा, टू टी क्यूब बाय थ्री माइनस टी पावर फोर बाय फोर इंटू थ्री। तो ये हो गया टू टी क्यूब बाय थ्री माइनस टी पावर फोर बाय फोर। ठीक है, अब टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, अभी जो हमने निकाला सिक्स, तो t इज इक्वल टू सिक्स रख के थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। पुट t इज इक्वल टू सिक्स यहाँ रख देते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, यहाँ t क्यूब है या t पावर फोर है, तो t क्यूब बाय थ्री कॉमन ले लेते हैं, तो टू माइनस t बाय फोर ये रह गया। अब रखते हैं सिक्स क्यूब बाय थ्री टू माइनस सिक्स बाय फोर, तो ये हो जाएगा सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स डिवाइडेड बाय थ्री और एट माइनस सिक्स बाय फोर। तो इसे काट दिया, थ्री टू जा इसे काट दिया, थ्री इसे भी थ्री, तो थ्री थ्री जा नाइन, टू जा एटीन, एटीन इंटू टू इज इक्वल टू 36। तो ये थीटा आपका आ गया 36। जब थीटा आपका 36 आ जाता है, अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ रोटेशंस। तो थीटा क्या हो जाएगा, 2n पाई इज इक्वल टू 36, तो n इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय पाई। अगर इसकी वैल्यू क्या होती है 3.14, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी, लेस देन 6, इम्प्लाइज दैट n इज लेस देन 6। क्लियर, तो ये आईआईटी 2010 में पूछा गया है, जिसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले लिखने हैं, उनको इक्वायर करना है, अगर वो आप कर लेते हैं तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, ये है अ मास मास हैंग्स हैंग्स विद द हेल्प ऑफ अ string wrapped around a m b m, a mass m hangs with the help of a string wrapped around a pulley on a frictionless bearing
ठीक है, द पुली हैज मास मास ठीक है, मास एक है जो हैंग कर रहा है और पुली का मास भी क्या है, एम है, एंड रेडियस आर। अज्यूमिंग पुली टू बी अ परफेक्ट यूनिफॉर्म, अज्यूमिंग पुली टू बी अ परफेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। The acceleration of the mass m if the string does not slip on the pulley with the help of a string wrapped around a pulley on a frictionless bearing. The pulley has mass m and radius r. Assuming pulley to be a perfect uniform circular disc, the acceleration of the mass m if the string does not slip on the pulley. ये चीजें हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं कि उस मास का एक्सेलरेशन क्या होगा अगर जो है पुली स्लिप नहीं करती है तो। अब आपको यहाँ देखना है, अगर मैं फिगर बनाता हूँ तो ये है आपका यूनिफॉर्म डिस्क हो गई, ये सेंटर हो गया, यहाँ से इसका अपना जो मास है वो एम जी ऐसे होगा, ये रेडियस आर हो गई, यहाँ पे एक मास जो हैंग कर रहा है एम जी, इसमें टेंशन जो होगा टी होगा, इसी टेंशन की वजह से जो है एक टॉर्क पैदा होगा टाउ, इसी की वजह से इसमें क्या होगा ओमेगा भी होगा और इसी की वजह से इसमें क्या होगा अल्फा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा, लेकिन मोशन इधर हो रहा है तो जो लीनियर एक्सेलरेशन ए होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और हमें ये भी पता है ए इज इक्वल टू क्या होता है आर अल्फा, या अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाता है ए बाय आर फर्स्ट, और दूसरा क्या होता है टाउ इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स इंटू रेडियस, तो टी आर ये आपका सेकंड है, और यही टाउ बराबर क्या होता है आई और अल्फा के होता है, और ये डिस्क है तो इसका क्या हो जाएगा हाफ टाउ इज इक्वल टू आपका हो गया हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा, ये हो गया ठीक है। अब इनको हम कंपेयर करके सॉल्व, पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू हमारा है सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं, तो टी आर इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा, ये आर इस आर से कट गया, तो टी इज इक्वल टू हो गया हाफ एम आर अल्फा, और अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं ए बाय आर, ये इससे कट गया, तो टी निकला जो हमारा क्या निकल गया हाफ एम ए, तो जहाँ टी है वहाँ हाफ एम ए रख सकते हैं। अब इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमारा बनेगा एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, टी की जगह पे हाफ एम ए रख देते हैं, ये फोर्थ हो गया, ये ऐसे इसकी आप इसको पहले इधर भेज देते हैं, एम जी इज इक्वल टू टी प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी एम ए, टी कितना है हाफ एम ए, तो हाफ एम ए प्लस
एम ए इज इक्वल टू 3/2 ma, तो इधर है एम जी, एम से एम कट गया तो इससे क्या निकला, इससे जो हमारा ए निकल के आया, इससे जो ए निकल के आया है ए इज इक्वल टू 2/3 g। यही एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया था कि मास किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये भी आईआईटी 2010 का ही क्वेश्चन है। तो आप देखिए सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो आपको सॉल्व करना ये टफ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, एक्सक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड A1। A1 एम्पलीट्यूड से SHM कर रही है, आगे क्या बोल रहे हैं, when a mass small m mass capital M passes for its mean position से पास होता है, then a smaller mass small m is placed over it, small mass small m रख दिया जाता है, and both of them move together. That's amplitude A2. Then A1 by A2 is equal to question. ये है question हमारा। तो कोई spring है, horizontal spring है, जिसपे कह रहे हैं कि इसपे एक मास कैपिटल एम पहले से अटैच्ड है और ये क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है जिसका एम्पलीट्यूड A1 है। अब कह रहे हैं कि जब ये मास एम पासेस थ्रू इट्स मीन पोजीशन, जब अपने मीन पोजीशन पे होता है, क्योंकि कोई भी मास अगर होता है तो आपको पता है अगर ये मीन पोजीशन है तो इधर भी जाएगा, फिर इधर भी जाएगा, फिर इधर भी जाएगा, तो इसका मतलब जब यहाँ पे है तब एक स्मॉल एम और रख दिया गया, ये हो रहा है, पहले कैपिटल एम था स्मॉल एम और रख दिया गया। तो बोल रहे हैं कि अब आप बताइए, स्मॉलर मास एम इज प्लेस ओवर इट एंड बोथ ऑफ देम मूव टुगेदर विद एम्पलीट्यूड A2, देन दिस हमें बताना है A1/A2 का रेशियो बताना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। अगर पहले शुरुआत की बात करते हैं तो ये मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी V1 है, एंगुलर वेलोसिटी जो है आपकी ओमेगा 1 है। इसी तरीके से बाद में क्या हो जाएगी,
बी टू और ओमेगा टू हो जाएगी। ये चीजें हैं, मास आपके गिवन है। तो अब इसको अगर सॉल्व कर रहा है तो पहला क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, अगर टी वन लिखते हैं तो टी वन इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम बाय क्या होगा के फर्स्ट। दूसरा अगर टी टू निकालते हैं जब इस पे स्मॉल मास और आ जाता है तो ये टू पाई अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय के, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, ये चीजें आ गई। अब यहाँ से अगर देखते हैं तो इनमें जो भी एम्पलीट्यूड दिया हुआ है पिंच कितना है, ए वन है और इसका क्या है ए टू। तो यहाँ से क्या बनेगा, वी वन इज इक्वल टू ए वन ओमेगा वन और वी टू इज इक्वल टू क्या बनेगा ए टू ओमेगा टू। तो इससे हमें जो वी वन बाय वी टू मिलेगा वो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू ए वन बाय ए टू इंटू ओमेगा वन बाय ओमेगा टू। ये हो गया आपका थर्ड, यहाँ से मिल गया। ठीक है, अब अगर टी की बात हम करते हैं तो टी वन टी टू जो हमारे होते हैं टी, अगर टी को हम लिखते हैं किसके ओमेगा टर्म में लिखते हैं, ओमेगा के टर्म में लिखते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से टी को लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि टी इज इक्वल टू टी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू पाई बाय ओमेगा वन और टी टू इज इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा टू। हमें ये चीज़ें निकालनी हैं तो इसको उधर भेज देंगे। ठीक है, तो अब अभी वी वन बाय वी टू को भी निकालना है तो अब हम अगर इसको देखते हैं टी वन बाय टी टू करते तो हमारा क्या बन जाएगा, टी वन बाय टी टू इज इक्वल टू ये कट जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा, मीन्स क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये बन जाएगा, ये हो गया फोर। इतना बन गया टी वन बाय टी टू। और टी वन बाय टी टू यहाँ से निकालते हैं इन दोनों से, इम्प्लाइज दैट आपका टी वन बाय टी टू इज इक्वल टू ओमेगा टू बाय ओमेगा वन, ये हो गया आपका फाइव। तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओमेगा टू बाय ओमेगा वन, ओमेगा टू बाय ओमेगा वन हमें मिल चुका है। अब ये वैल्यू अगर मिल जाती है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। वो कौन सा तरीका होगा, इनके मोमेंटम को कंजर्व करा के। शुरुआत में मोमेंटम कितना था, मास कैपिटल एम था और वी वन था, और बाद में क्या हो गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, अब बन गया आपका वी टू। तो इससे हमें मिल गया वी वन बाय वी टू इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, ये हो गया आपका सिक्स। अब वी वन बाय वी टू की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए ओमेगा वन बाय ओमेगा टू, इतना दिया हुआ। v1 वन बाय वी टू क्या हो जाएगा, ये चाहिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब मैं आगे लिखता हूँ, ये बन गया आपका, इसको लिख सकते हैं, इसको मिला के कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, तो ये क्या बन जाएगा a1 वन बाय ए टू इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इंटू ओमेगा टू बाय ओमेगा वन, और इसकी वैल्यू ये है, ये आपका आ गया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इंटू रूट में आपका हो गया स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम डिवाइडेड कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब ये और ये रूट के अंदर है तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है, इसका मतलब जो आंसर पूछा गया ये बराबर आपका आ जाता है, ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये आपकी वैल्यू हो जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सिर्फ यहाँ सब आप जितने भी देखिए सब आपको फॉर्मूले हैं, सब सारे सिर्फ कॉन्सेप्ट है, अगर आप कॉन्सेप्ट यूज करते जाओगे तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फोर है, वर्क लिए है, यानी एक कैरनॉट इंजन है जिसका टेम्परेचर आपका गिवन है T1 और T2 दिया हुआ है और इफिशियंसी आपकी इस केस में 1/6 है। आप क्या कह रहे हैं, व्हेन T2 इज लोअर, अगर T3 को कम कर देते हैं, मीन्स अब T2 -62 कर देते हैं तो नई इफिशियंसी जो आ जाती है 1/3 आ जाती है। When T2 is lowered by 62K, its efficiency increased by 1/3. अगर ऐसा हो जाता है देन हमें क्या बताना है, T1 - T2 ये निकालना है। ये कैनॉट, अब आप सोचिए कि ऐसे क्वेश्चन जो है आपको IIT में पूछे जाते थे, efficiency आपको पता है eta = क्या होती है, 1 - आपको T1 होती है। इससे आप इसको यूज कर लेंगे दूसरे क्वेश्चन में, इसको यूज करके और आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कितना हुआ, 1/6 = 1 - T2/T1। तो T2/T1 = आपका क्या हो जाएगा, 1 - 1/6 = 5/6। इससे T1 और T2 का आपको रिलेशन मिल गया। जब आपको रिलेशन मिल जाता है फिर ये कह रहे हैं ऐसा, तो इसका मतलब हुआ कि 1/3 = 1 - T2 - 62K/T1। इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, तो T2 - 62K/T1 = 1 - 1/3 = 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा T2/T1 - 62K/T1 = 2/3। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5/6। 5/6 यहाँ लिख के उधर ले जाते हैं तो ये हो गया 5/6 - 2/3 = 62K/T1। अब = ये क्या हो जाएगा, 1/6। तो आपको T1 मिल जाएगा, T1 = 62 × 6। ठीक है, तो यहाँ से 5/6 का है तो T2 क्या हो जाएगा, T2 = 62 × 5K। दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं तो आपका T1 - T2 = 62, यहाँ से कितना आएगा, डिफरेंस वही आएगा 62 और आपका हो गया ये 6 - 5K = 62K, ये डिफरेंस आ गया। ये क्वेश्चन था, ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था। तो ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे प्रीवियस सीएस के क्वेश्चन हैं। अगले क्लास में फिर और अच्छे क्वेश्चन साथ आऊँगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।